ओम साई राम। साई के नाम समर्पित इस अनोखी स्वर्ण संध्या को श्रद्धा के सुर से करेंगे रोशन संगीत जगत के सबसे बड़े सितारे। धूमधाम के साथ उत्सव मनाएं संगीत श्रद्धा और साईं के नाम का। साईं बाबा मालिक एक सुर अनेक। ग्रीटिंग्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मंत्रा और स्वागत करता हूं आपका आज इस कार्यक्रम में जिसका नाम है साईं बाबा मालिक एक सुर अनेक। हमारा देश अलग अलग धर्मों के अलग अलग प्रजातियों के साथ बड़ा हुआ है, लेकिन भले ही हमारे रीति रिवाज अलग हों, हमारे पूजा पाठ करने के तरीके अलग हों, एक चीज जो सभी धर्मों में समान है, जो हमें जोड़ के रखती है, वो है प्रेम। और आज इस मंच पर ढेर सारे कलाकार, गायक, गायिकाएं इकट्ठे हुए हैं और अपनी श्रद्धा भक्ति व्यक्त करना चाहते हैं उसके प्रति जिसने प्रेम के संदेश को हम तक पहुंचाया है, शिरडी के साई बाबा। एक्टर तो हूँ ही, मगर जब बाबा का पूरा रूप धारा तो ऐसे लगा कि मुझ में समा गए थे। वो तो एक्टर भी नहीं था ना मैं था, सब वही थे। आपकी मेरी सभी की भक्ति है साईं बाबा की ओर, और इस भक्ति को और भक्तों की मंडली को एक अच्छे काम में तराश लिया जा रहा है, मोड़ दिया जा रहा है, अंजाम दिया जा रहा है, इसकी बहुत खुशी है मुझे। प्योरिटी के जो गाने होते हैं डिवोशनल, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है गाना। शिरडी के साईं बाबा का हाथ रहे सर पे और रास्ता साथ दिखे। सबसे बड़े स्टार तो साईं बाबा जिनके सब भक्त हैं, और उस लेवल पे भजन संध्या हो रही है, भजन एक डिवोशनल म्यूजिकल नाइट हो रही है। जग में साचो तेरो नाम साईं राम, साईं राम, ओम साईं राम। और इतने ग्रेट हमारे कंट्री के सिंगर्स सब मिलके गाएंगे तो आई थिंक इट विल बी फैबुलस। बहुत सारे ऐसे चमत्कार हैं जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं। मैं अपने आप को बहुत ही किस्मत वाला समझता हूँ कि जो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि साईं जी के दरबार में जाने का। जब से मैंने अपना करियर शुरू किया तब से लेकर मैं आज तक हर गाना डिवोशनल ही गा रहा हूँ, चाहे उसका रंग छैया छैया हो, चाहे उसका रंग दर्द डिस्को हो, लेकिन वो रंग जो था सूफी वो नहीं गया। हर बार मुझे लगा कि बाबा ने हाथ थामा है, और मुझे आज भी एकदम लगा कि यहाँ बुलावा आया है तो मैं यहाँ पर हूँ। सो आई एम ग्लैड टू बी बाबा चाइल्ड। जिंदगी में जो कुछ भी अचीव किया है बाबा की ब्लेसिंग से किया है। आई रियली बिलीव अ लॉट इन साईं बाबा एंड आई हैव कम हियर टू टेक हिज ब्लेसिंग्स। Since I believe in the whole concept of Sai Baba, मैं जो उन्होंने कहा है, जो उन्होंने किया, उन सब मैं बिलीव करता हूँ। अमरक ब्रांथनी की जो कवाली थी उस पर परफॉर्म करना। जय साई राम, और साई कृपा से ही मैं आया हूँ, वरना जहाँ मैं बैठा हूँ कभी कभी मुझे बुलाते हैं। उनकी रहमत हुई है, वो बहुत बड़े दुर्वेश थे, मैं तो उनकी हाजिरी देने आया हूँ बाबा जी की, शिरडी के साई बाबा जी की। इसी के साथ सारे के सारे कलाकार यहाँ पर एकत्रित हो चुके हैं, सब इस प्रेम द्वार से अंदर जा चुके हैं। ये कॉन्सर्ट फॉर ह्यूमैनिटी अब शुरू होने वाला है, तो हम भी और ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे और चलेंगे सीधे अंदर। लेकिन जाने से पहले एक बार सब मिलकर बोलेंगे, बोलो साईनाथ महाराज की। वो जो मौजूद है कायनात के हर कतरे में, वो जो सदैव बसा है हर जीव के कण कण में, चाहे नाम हम कुछ भी दें, उसे भगवान कहें या खुदा, नानक कहें या गॉड, वो निर्गुण निराकार परम शक्ति परमात्मा तो एक ही है, मालिक एक। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक नई चेतना जाग उठी। जात पात भेदभाव धर्म वर्ग से बटे लोगों को इस साधारण से मलंग फकीर ने सिर्फ एक ही बात समझाई, श्रद्धा और सबूरी, यानी डिवोशन और पेशेंस। बस
ये था उनका मूल मंत्र। सब जानते थे उनको बस एक ही नाम से, साईं बाबा। सब जानते थे उनको बस एक ही धाम से, शिरडी वाले साईं बाबा। नमस्कार, मैं आपके साथ एक छोटी सी चीज़ शेयर करना चाहूँगी। आज मेरे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। 2000 में इसी दिन पे मैंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था और आज 11 साल बाद इसी दिन पर मेरे पिताजी का 70th बर्थडे है। मेरे पापा जिंदगी भर बाबा के बहुत बड़े भक्त रहे और आज बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मुझे मौका मिला कि मैं बाबा को आरती चढ़ा सकूं। जिंदगी में बहुत सारे मौके मिलते हैं सबको, लेकिन आज मैं स्टार प्लस और इस शो के ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बधाई देना चाहूंगी। सो आई थैंक यू ऑल। आप जितने सारे लोग यहाँ शामिल हैं, हमारे साथ एक बहुत ही वंडरफुल ऑर्केस्ट्रा है आज स्टेज पे और हमारे बहुत ही अच्छे, बहुत ही टैलेंटेड सिंगर्स हैं जो आपके सामने आकर परफॉर्म करने वाले हैं। एंड आई रियली लाइक टू थैंक देम ऑल कि वो सब इसमें आज शामिल है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू।
थैंक यू सो मच लारा, दिस इज वेरी टचिंग. ओम साईं राम. मैं हूं सोनू सूद. नमस्कार, मैं हूं करिश्मा तन्ना. करिश्मा, यहाँ का माहौल देखकर मुझे महसूस हो रहा है कि पूरी दुनिया देखी, बहुत सारे स्टेज शोज किए, कंसर्ट सुने, लेकिन आज यहाँ जो ऐसा माहौल है, ऐसा एहसास, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ. पहली बार इंडियन टेलीविजन पर एक ऐसा कॉन्सर्ट जिसमें साईं बाबा की दिखाई राह पर अपने सुर अर्पण करने आ रहे हैं इंडिया के टॉप मोस्ट सिंगर्स एंड परफॉर्मर्स. साईं बाबा का पूरा जीवन ही सीख है. उन्होंने अपने हर व्यवहार और वाणी से सिखाया तो सिर्फ सरल भक्ति और प्रेम. वो कहते थे कि खुद को खुदा की बंदगी में सौंप दो, खुद में ही खुदा को ढूंढ लो. साई के चरणों में सबसे पहले सुरों के पुष्प अर्पण करने आ रहे हैं वो जिनकी आवाज सीधे मालिक तक पहुंचती है. प्लीज वेलकम द सुपर वर्सेटाइल, द सेंसेशनल वॉइस ऑफ इंडिया, सुखविंदर सिंह. साईं नाथ की बोलो, सच्चिदानंद की बोलो, परमानंद की बोलो, संत अनंत की बोलो, छोड़ के सारे झूठे काम, चारों तरफ बस एक ही नाम, सुमिरन करते सुबह शाम, चारों तरफ बस एक ही नाम, चारों तरफ गूंजे ये नाम, जो भी नाम दे आवे मन वांछित फल पा. It's hard.